चलो नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलेगा जो इसकी ब्रेक है, जो सिंटेड ब्रेक पैड्स आपको हिमालयन दे रहा है वो बहुत ही जल्दी कह लो घिस जाएगी बेसिकली। तो अगर आप 90-100 के आसपास क्रूज कर रहे हो तो आपको जो इसकी माइलेज है अराउंड, मतलब अगर आप सर्विस करवाने जा रहे हो तो ये लगा लो आपको हर सर्विस पे 5,000 का खर्चा करना पड़ेगा अगर आपकी ब्रेक पैड्स घिस गई है। बट लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इसका मैप यूज करना चाहते हो तो भाई उस केस में आप लोग अलग से भाई फोन माउंट लगवा लेना। तो हेमा यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी नई वीडियो के अंदर। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग आए हैं एक ओनरशिप रिव्यू करने के लिए अपनी हिमालयन 450 का। तो सीन कुछ ऐसा कि भाई जो हमारी हिमालयन 450 है वो चल चुकी है अराउंड 5000 किलोमीटर, मतलब 5000 प्लस या 52 या 53 के आसपास हो चुकी है। तो मैं सोचा यार क्यों ना इसका एक 5000 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू बना लिया जाए आप लोगों के लिए। तो ओनरशिप रिव्यू में जनरली क्या होता है भाई, लोग अपना ओनरशिप रिव्यू देते हैं, बट यहाँ पे मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से एक ओनरशिप रिव्यू बनाया जाए। यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर रिव्यू देने वाला हूँ जिसमें ओनर यानी कि जो मैं हूँ इस बाइक को मैंने 5000 किलोमीटर में कैसे क्या फील किया वो मैं आपको बताऊँगा। जनरली रिव्यू में क्या होता है हम लोग एक एक पार्ट के पास जाते हैं और बताते हैं कि भाई बाइक में ये अपडेट हुआ है या फिर बाइक के साथ ये लॉन्च हुआ है। तो उस पार्ट के पास जाके मैं आपको बताऊँगा कि इस चीज़ से मुझे क्या बेनिफिट्स मिले, इस चीज़ के मुझे क्या नुकसान मिले। तो कुछ इस तरीके से एक ओनरशिप रिव्यू हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि अगर एक एक पार्ट को कवर करेंगे तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। चलो भाई वीडियो में बने रहना, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं भाई फ्रंट की साइड, फ्रंट से बैक की तरफ जाएंगे। तो फ्रंट में भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इस बाइक की डिस्प्ले और ब्रेक्स। तो अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो भाई इस बाइक की ब्रेकें जो है भाई कह लो तारीफ, मतलब जितनी कर लो उतनी कम है, क्योंकि इस ब्रेक्स के साथ भाई कभी मैं निराश नहीं हुआ हूँ। अगर आप लोगों को पता होगा या फिर आपने हिमालयन 450 की राइड भी ली होगी तो आपको यहाँ पे जो ब्रेकिंग है भाई वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है। मतलब ब्रेक्स जो है इसमें काफ़ी अच्छी है, बट इसमें आपको एक चलो नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलेगा कि जो इसकी ब्रेक्स है, जो सिंटेड ब्रेक पैड्स आपको हिमालयन दे रहा है वो बहुत ही जल्दी कह लो घिस जाएगी बेसिकली। जो उसकी लाइफ है वो काफ़ी कम है। आपकी जो बाइक है अगर आप सिटी राइड करते हो तो 4,500 किलोमीटर में आपकी ब्रेक घिस जाएगी, बट अगर आप ट्रैवल करते हो प्रॉपर हाईवे राइड्स होते हैं तो वहाँ पे आपकी ब्रेक जो है 8,000 या 9,000 10,000 भी जा सकती है। सो इस ब्रेक का जो कॉस्ट है भाई सुनकर तो मैं भी हिल गया था। तो मैं आपको बताऊँ तो इस ब्रेक का जो कॉस्ट है, मतलब फ्रंट और बैक अगर ब्रेक्स की मैं कॉस्ट बताऊँ तो है अराउंड 5500 के आसपास। तो मतलब अगर आप सर्विस करवाने जा रहे हो तो ये लगा लो आपको हर सर्विस पे 5000 का खर्चा करना पड़ेगा अगर आपकी ब्रेक पैड्स घिस गई है। बट अगर प्रॉपर टूरिंग में यूज़ करोगे तो उस केस में कह लो आपको हर सेकंड सर्विस पे ब्रेक पैड्स के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। देन भाई ब्रेक पैड्स के बाद अगर मैं बताऊँ तो वो है भाई इस बाइक की सस्पेंशन। तो सस्पेंशन आपको 200 mm के देखने को मिलते हैं, और भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इसके सस्पेंशन है हिमालयन 450 के ये ऑफ रोडिंग के लिए कितने बेस्ट हैं। मतलब और अदर बाइक्स में आपको इतने अच्छे सस्पेंशन देखने को नहीं मिलेंगे। तो सस्पेंशन में यहाँ पे मैं चलो कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं रख सकता हूँ। सस्पेंशन जो है मैंने अभी तक जितना भी 5000 किलोमीटर मैंने बाइक को राइड किया है सस्पेंशन ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, चाहे ऑफ रोड हो चाहे प्लेन रोड। प्लेन रोड को देखो सस्पेंशन का अंदाजा नहीं लगा सकते हो, बट ऑफ रोड में भाई इस सस्पेंशन ने अपना पूरा कमाल दिखाया है। मतलब मुझे सैडलिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती भाई, सस्पेंशन नॉर्मली बैठे बैठे भी अगर मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ ना तो वो कम्प्लीट हो जाती है इस सस्पेंशन के साथ। तो यहाँ पर सस्पेंशन में कोई डाउट आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन भाई सस्पेंशन के बाद जो थर्ड चीज़ है वो फ्रंट में आपको देखने को मिलती है वो इस बाइक की हेडलाइट। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैंने हेडलाइट ग्रिल लगा रखी है। सो हेडलाइट जो है भाई इसकी जो इस हेडलाइट की जो ब्राइटनेस है रोड के ऊपर रात के टाइम पे वो भाई बहुत कम है अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, जिस वजह से मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्स लाइट्स भी लगवाई हुई है। सो भाई देखो अगर आप इस बाइक को लेके सिटी राइड कर रहे हो या टूरिंग भी कर रही हो ना तो भाई ये लाइट जो है दोनों केस में आपको बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, क्योंकि भाई इसकी जो लाइट है वो बहुत कम है। और कम होने का एक और रीज़न ये है कि जो ये बाइक है थोड़ी ऊँची है तो जो इसकी हेडलाइट है ना वो हाइट में थोड़ी और ऊपर है। और आरी क्या करता है जनरली यही वाली सेम लाइट वो हर बाइक में देता है, चाहे वो GT हो चाहे वो कोई और अदर बाइक हो चाहे हिमालयन ही हो, तो सेम लाइट आपको देखने को मिलती है हर बाइक में। तो इस बाइक में लाइट जो है काफ़ी ऊपर है, तो उस वजह से क्या होता है जो रोड के ऊपर की ब्राइटनेस वो काफ़ी कम हो जाती है, जिस वजह से आपको भाई एक्स्ट्रा ऑक्साइड्स यहाँ पर लगवानी पड़ती है जो मैंने लगवा रखी है। तो लाइट्स भाई कह लो मतलब बिल्कुल भी इस बाइक के लिए कामयाब नहीं हुई है। तो लाइट हो चाहे ना हो इस बाइक के लिए मैं कह रहा हूँ एक ही बराबर है भाई। सो मैंने लुक के लिए क्या किया यहाँ पे लगा ली हेडलाइट ग्रिल। सो भाई देखो ये तो फ्रंट की बात हो गई हम लोगों की, तो फ्रंट में यहाँ पे आपको एक विंडशील्ड भी दिख रही होगी। सो इस बाइक में जो भी एक्सेसरी लगी है देखो उसकी मैं बात नहीं करने वाला हूँ, उसका मैं प्रॉपर व्लॉग बना चुका हूँ। सो वो वीडियो देखनी हो तो भाई आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो वाली वीडियो जाकर देख लेना। हम लोग यहाँ पे प्रॉपर रिव्यू करने वाले हैं।
तो हम लोग फ्रंट में ही बात कर रहे थे, तो फ्रंट में मुझे एक चीज और ध्यान आ गई कि भाई इस बाइक के टायर, तो टायर देखो आपको पता है शुरू से हिमालयन के अंदर जो पहले वाली हिमालयन थी 411 और जो ये वाली हिमालयन है 452, इन दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं, बट जो रिम्स है ना वो ट्यूबलेस देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पे आपके टायर्स तो ट्यूबलेस है बट रिम ट्यूबलेस नहीं है, तो ये आपको देखो शुरू से आपके साथ ऐसा ही है, बट कंपनी ने बोला भाई आगे ट्यूबलेस जो रिम्स है वो आपको मिलने वाले हैं, और प्राइसिंग जो है अब सुनने में आ रही है अराउंड 35, 30, 35, 40 इसके आसपास का रेट रहने वाला है। तो प्राइस तो देखो काफ़ी हाई है, बट 500 किलोमीटर में मुझे तो भाई अभी तक कोई इन टायरों के साथ दिक्कत नहीं हुई है, ना मेरा टायर अभी तक पंचर हुआ, तो देखो मुझे तो भाई कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो टायरों की बात ये रही कि भाई ट्यूबलेस यहाँ पर देखने को मिलता है, ये सिंपल है, इसमें देखो कोई प्लस नेगेटिव नहीं है, जो भी मैंने आपको बता दिया। देन भाई उसके बाद हम आते हैं इसके टैंक के ऊपर। सो आपको यहाँ पे हिमालयन 450 का टैंक दिख रहा है, जो इसका टैंक है, जो हिमालयन 450 का टैंक है ये है अराउंड 70 लीटर, जैसा कि आप लोगों को पता है, रिव्यूज़ में आप लोगों ने देखा है। सो ये एक फुल टैंक में कितना चलता है मैं आपको वो बता देता हूँ, और जो माइलेज है वो कितनी आती है, कितने डिफरेंस पे आती है, मैं वो भी बताता हूँ। सो अगर आप 90-100 के आसपास क्रूज़ कर रहे हो तो आपको जो इसकी माइलेज है अराउंड 31, 32, 33 आपके वेट के हिसाब से देखने को मिलेगी, बट अगर आप इसको थोड़ा रैश राइड करते हो 125, 130 जाते हो तो आपको वहाँ पे अराउंड 25 के आसपास की माइलेज देखने को मिलेगी। मैंने जितनी मैक्सिमम माइलेज देखी है इसके अंदर वो देखी है 34 की, और जो मिनिमम देखी है वो देखी है भाई 23 की। मतलब जनरली क्या होता है, जो 400 cc के आसपास की बाइक्स होती है आप जब उसको भगाते हो प्रॉपर तरीके से तब आपको माइलेज वहाँ पे 20 से भी डाउन देखने को मिलती है, 15-16 के आसपास देखने को मिलती है, और एवरेज में 32-33 देखने को मिलती है। पर यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा कि भगाने के बाद भी आप लोगों को 20+ की माइलेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बात रही फुल टैंक में कितनी बाइक चलती है, तो अगर आप क्रूज कर रहे हो 90-100 पे तो आपका एक फुल टैंक अराउंड 460 मैक्सिमम मैंने चलाया है 15 लीटर में, कहने को 17 लीटर है बट इसके अंदर 15 लीटर्स के आसपास ही पेट्रोल आता है, बाकी जो है वो रिजर्व में होता है। तो 15 लीटर का आप चेक करोगे तो आपको ये बाइक 450 या 460 किलोमीटर चल के दे देगी। सो भाई इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद आपको सीधा मैं हैंडलिंग और सीट के बारे में बता देता हूँ। तो जो इस बाइक की सीट है भाई, वो जो इस बाइक की कुशनिंग है आपको नॉर्मली बाइक से थोड़ी सी सॉफ्ट देखने को मिलती है, प्रॉपर टूरिंग वाली कुशनिंग यहाँ पे नहीं दी गई है, बट हाँ जो अदर बाइक्स आती है उसके मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे कुशनिंग वाली सीट देखने को मिलती है, चाहे वो राइडर की सीट हो चाहे वो पिलियन की सीट हो, तो यहाँ पे जो कुशनिंग है वो अच्छी है। और बात रही हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग जो है काफ़ी अच्छी है, हालांकि बीच बीच में मैं कौन सेट का इशू फेस कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं आगे बात करने वाला हूँ, क्योंकि कौन सेट का क्या है भाई, 3-4 बार मेरा लूज़ हो गया और दोबारा से भी लूज़ हो गया, और अभी तो आते वक्त पता नहीं कट कट की एक आवाज़ भी आ रही थी, तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि कौन सेट जो है मेरा ख़राब ना हो गया, मुझे कौन सेट शायद चेंज करवाने की ज़रूरत है यहाँ पे, उसका भी मैं एक बार रिचेक करवाऊंगा सर्विस सेंटर में जाके। बट अभी अगर मैं हैंडलिंग और सीट की बात करूँ, अगर मैं बैठ के आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर, सो जो मेरी पोजीशन है भाई राइड करते हुए कुछ ऐसे रहती है, जो मेरा ये बैक का एरिया है, जो मेरा हाथ है, मतलब प्रॉपर एक टूरिंग टाइप से देखा जाए ना तो हाँ बाइक चलाते वक्त बिग बाइक वाली फीलिंग आती ही है, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ जो बाइक का कंफर्ट है वो डाउन हो रहा है, मतलब हाँ कंफर्ट आपको यहाँ पे पूरा देखने को मिलता है इस सीट के साथ भी इसके साथ भी। बाकी अगर आपको और अच्छी कह लो कंफर्टेबल चाहिए और अच्छी कुशनिंग चाहिए तो आप इसमें टूरिंग सीट पे खर्चा करके टूरिंग सीट लगवा सकते हो, वो देखो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। हैंडलिंग और सीट के बाद भाई देखो, जब आप बाइक राइड करते हो तो आपको आपके सामने आपकी स्क्रीन दिखती है, तो इस बाइक के अंदर आपको TFT डिस्प्ले जो देखने को मिल रही है ना भाई, वो बहुत ही मतलब कह लो अच्छी है, अट्रैक्टिव है। जनरली बाइक्स में क्या होता है भाई, स्क्वायर में आती है बट यहाँ पे राउंड में आती है। जब हिमालयन लॉन्च हुई थी कई लोगों ने बोला भी भाई इस बाइक में अगर स्क्वायर डिस्प्ले आ जाती तो भाई और अच्छी लुक आती, मतलब चलाने में और बड़ी फील आती जैसे BMW की बाइक्स में आता है। बट भाई देखो बाइक को थोड़ा अलग भी दिखाना था, और कहीं ना कहीं देखा जाए ना भाई हिमालयन के ऊपर ये वाली गोल्ड TFT जो है भाई बिल्कुल सूट करती है। बाकी भाई इस TFT के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको कई फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो परफॉर्मेंस मोड हो गया, चाहे इको मोड हो गया, माइलेज वगैरह, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, Trip 1, Trip 2 हो गई, फ्यूल रेंज हो गया, फ्यूल कंजप्शन कितना है, मतलब कि आप जितना टोटल दे रहे हो उस हिसाब से आपको जो आपका इंजन है वो कितना फ्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है, 35 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से कर रहा है या 30 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से कर रहा है, वो भी आपको यहाँ पे शो होता है। भाई बैटरी दिखाता है आपको बैटरी कितनी वोल्टेज है, सर्विस टाइम दिखा रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है इंजन का, जनरली जो अदर बाइक्स में नहीं जल्दी दिखाता। और भाई बाकी देखो TFT तो अच्छा ही है, बाकी गूगल मैप आपको पता ही है इस TFT के अंदर वर्क करता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको रास्ते पता है, बट कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको मैप की जरूरत पड़ती है,
तो कुछ कुछ टाइम के लिए अगर आपको इसका मैप यूज करना तो काफी अच्छा है, बट लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इसका मैप यूज करना चाहते हो तो भाई उस केस में आप लोग अलग से भाई फोन माउंट लगवा लेना हैंडल के ऊपर, क्योंकि क्या होता है भाई इसका जो गूगल मैप है वो जब आप फोन से कनेक्ट करोगे तो आपकी जो बैटरी है बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाएगी वहां पर, तो उससे बेटर है भाई आप लोग अपना यहाँ पे एक फोन माउंट लगा लो ताकि भाई आप गूगल मैप वगैरह देख सको, चाहे कुछ भी हो तो आपको पता चल जाए इसका गूगल मैप जो कभी कभी वर्क करता है अच्छे टाइम पे, मतलब कुछ छोटा मोटा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रूट देखना है वहाँ पे बेस्ट है, बट लॉन्ग टाइम के लिए इसका गूगल मैप उतना अच्छा नहीं है। तो भाई फ्रेंड से देखो सारी बात हम लोगों ने की, चाहे वो ब्रेक्स हो सेंटर में आए तो भाई TFT हो सीट हो हैंडल हो, अब बैक की साइड थोड़ा आ जाते हैं। तो बैक की साइड आपको यहाँ पे जो इंडिकेटर वाली टेल लाइट देखने को मिलती है भाई ये देखो काफ़ी अच्छी है, बट इसका एक ड्रॉबैक आपको बताता हूँ मैं, अगर गलती से भी आपकी ये एक भी टूट गई ना तो सिंगल का प्राइस भाई 1950 है, मतलब 1950 रुपये अराउंड, मतलब 2000 रुपये आप मान लो, तो एक लाइट का प्राइस 2000 रुपये है, तो ये भाई काफ़ी कॉस्टली यहाँ पे है। देखो फीचर मिला है तो यहाँ पे कॉस्ट का भी थोड़ा बहुत रहेगा, तो ये मुझे लगा कि हाँ भाई अच्छी चीज़ के साथ साथ एक बुरी चीज़ हुई कि गलती से अगर किसी की बाइक गिरी और टूटी वो लाइट टूट गई तो भाई आपको खड़े पैर 2000 का नुकसान सहना पड़ेगा, दोनों टूटे तो भाई 4000 आपके सीधे गए। बाकी भाई मैं बैक साइड पे आया था, मेन आया था मैं वो टायर्स के लिए कि टायर जो है बैक साइड पे भी है देखो फ्रंट साइड पे भी है, तो टायर जो है मैं उसका आपको बताऊँ तो जो टायर की ग्रिप्स है वो काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको C8 के टायर देखने को मिलते हैं और C8 के टायर यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और 5000 किलोमीटर चलाने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे टायर जो है घिसे हैं, मतलब यहाँ पे मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि भाई टायर जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू है, मतलब इसकी जो गुद्दी है काफ़ी अच्छी खासी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बाइक आराम से 20,000 किलोमीटर प्लस तो आराम से ये टायर चल जाएंगे, हो सकता है भाई 30 भी टच कर जाएं, क्योंकि जनरली मैंने देखा है टूरिंग बाइक में जो गुद्दी वाले टायर्स होते हैं वो 25-30 के आसपास चलते हैं। सो उम्मीद मुझे यही है कि इस बाइक के टायर्स भी जो है वो 20 प्लस तो चलने चाहिए, क्योंकि देखो 30 मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो बाइक का वेट है वो काफ़ी अच्छा खासा है, सो बाइक का वेट फिर मेरा वेट और फिर राइडर का वेट भी देखो मैटर करता है, तभी मैंने बोला 20,000 प्लस तो चलने ही चाहिए, 30 का मैं यहाँ पे नहीं बोला, बट हाँ 20 देखो चल जाएंगे वो तो आपको सब पता चलेगा आगे वाली वीडियो में, जैसे जैसे बाइक चलेगी वैसे वैसे रिव्यूज वगैरह आएंगे ही आएंगे, सो टायर जो है अराउंड आपके 20,000 प्लस चलने वाले। तो भाई मेरे हिसाब से तो शायद मैंने ऑलमोस्ट इस बाइक का जितना भी है सब कुछ आपको बता दिया है, बस एक चीज़ रहेगी वो रहेगी भाई इस बाइक का इंजन। सो इंजन की पावर देखो आप लोगों को पता ही है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, 40 PS की पावर, 40 Nm का आपको टॉर्क यहाँ पे देखने को मिलता है, बाइक का जो इंजन है बहुत ही अच्छी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, बाइक के इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, जो इस बाइक का इंजन है काफ़ी अच्छी मतलब पावर प्रोड्यूस कर रहा है। जो मेरे साथ दिक्कतें हुई वो आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में ही बताया कि जो मेरी बाइक में है वो अलग से वियर्ड नॉइस आ रही थी, साउंड जो है अलग हो गया था, तो कई लोगों ने बोला भाई कि हाँ भाई बाइक का साउंड सही है, कई लोगों ने बोला गलत है, पर फिर भी भाई देखो हम गलत की साइड चलते गए और हमने सर्विस सेंटर में चेक कराया था तो इस बाइक का भाई सर्विस सेंटर में हेड चेंज हो चुका है और जो चेन टेंशनर है जो यहाँ पे लगता है वो चेंज इस बाइक में हो चुका है। सो अब तो देखो भाई बाइक फिलहाल के लिए ठीक चल रही है, मैंने इसके साथ 600-700 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ आफ्टर हेड चेंज और अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, एक बार 1000 किलोमीटर कम्प्लीट हो जाए देन उसके बाद हम लोग एक बार इसका जो अपना साउंड है एक बार फिर से चेक कराएंगे और जो शीमें इसमें डली है एक बार फिर चेक कराएंगे, क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि 1000 किलोमीटर चलने के बाद एक बार फिर से रीचेक करवा लेना कि कहीं हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि एक बोलते एक वर्ड है रमा कि बाइक हाँ अच्छे से रमा हुई या नहीं हुई हेड डलने के बाद। तो ये इशू जो देखो मैंने फेस किया था लास्ट मार्च के पूरे महीने में सर्विस सेंटर चक्कर बहुत काटे थे, सो अब इस बाइक का जो हेड चेंज हुआ था उसके बाद तो देखो मेरी बाइक सही है, सो उसकी बात मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो इंजन में आपको बहुत ही अच्छी पावर देखने को मिलती है और मैं आपको एक रिकमेंड और करूँगा कि अगर आप इस बाइक को राइड कर रहे हो तो इको मोड में मत चलाना भाई, इंजन के ऊपर मुझे ऐसा फील होता है कि लोड काफ़ी आता है इको मोड की वजह से, तो जब से हेड चेंज हुआ मैं भाई इसको परफॉर्मेंस मोड पे ही चला रहा हूँ, चाहे वो सिटी में चलाऊँ चाहे वो हाईवे के ऊपर चलाऊँ, परफॉर्मेंस मोड मुझे लग रहा है कि हाँ परफॉर्मेंस मोड जो है वो लग रहा है बेस्ट है यहाँ पर। बट इसमें हीटिंग इशू जो है भाई देखो अब मुझे थोड़ा थोड़ा फील होने लगा है, जैसे कि लोगों ने बोला था कि ठंड के टाइम में ये बाइक लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे हीटिंग इशू कह लो बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा था, बट अब क्या है कि गर्मियाँ आ रही है तो अब हाँ कहीं ना कहीं लगता है कि हीटिंग इशू इस बाइक में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उसको इशू नहीं बोलूँगा। देखो 450 cc की बाइक है, सिंगल सिलेंडर बाइक है तो हीटिंग देखो हीट जो है प्रोड्यूस तो देखो होना ही होना है, बट हाँ जनरली मुझे लग रहा है कि इसमें हीट जो है ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जो इसका बैंड पाइप है देखो भाई नीचे से है, जनरली जो BS4 की बाइक्स होती थी उसका साइड से होता था उसके बाद भी इतनी हीटिंग नहीं आती थी, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हीटिंग इशू थोड़ा सा आपको गर्मियों में दिक्कत देगा, बट देखो मैनेजेबल कह लो है,
इतना मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ उतना ज्यादा हीटिंग इशू होगा, बट हाँ आपको हीटिंग इशू देखने को मिलने वाला है आपकी बाइक के साथ। तो भैया कुछ चीजें थी मेरी बाइक के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताई रिव्यू और ओनरशिप रिव्यू के थ्रू, और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मुझे लग रहा है मिस हो गई होगी, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर देना भाई, मैं उसका आंसर आपको कमेंट्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और मुझे एकदम ध्यान में आ रही है, जो इस बाइक का बेंड पाइप है जो एग्जॉस्ट है वो आपको यहाँ पे टाइटेनियम का देखने को मिलता है, जिस वजह से जो इस बाइक की लुक है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो मेरे से मिस हो रही होगी, तो उसका आप क्वेश्चन जो है कमेंट में करना भाई, मैं आपको उसका आंसर देने वाला हूँ। तो होप यार जो आज की वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।